अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने आज थोड़ी देर पहले एक चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू देखा मेरी बेटी का और साथ में जहीर का। मुझे बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ और मैं हैरान हुआ कि सहाफ़त ऐसा भी करती है। मैंने तो अभी तक जितनी सहाफ़त देखी थी 99% सहाफ़ी जो हैं वो हक सच की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 99% मीडिया चैनल्स जो हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी फेयर रिपोर्टिंग की है। जो भी खबर आती थी वो खबर देते थे, लेकिन ये इंतहाई चीप शॉट, मैं कहूँगा कि इंतहाई बिलो दी बेल्ट जाके चीप शॉट खेली गई। जो चीज़ प्रूव हो चुकी है कि बच्ची माइनर है और उसकी माइनर की तो स्टेटमेंट ही नहीं होती, तो आप कैसे एक नेशनल टीवी के ऊपर उसे बिठा के आप उसकी स्टेटमेंट्स ले रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो कि अब आप छोटी आ गई हो और अब आप बताओ अब आप क्या करोगी, आप कुछ खौफे खुदा करो यार, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरी तो आपके बारे में राय बड़ी अच्छी थी, लेकिन आज आपने यकसर मेरी राय तब्दील कर दी। इंतहाई चीप शॉट आपने खेली, आपने एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान में प्रमोट की जो कि एक बदनुमा चेहरा होता है किसी भी माशरे का। मेरा सवाल है जी, अगर ये उस चैनल के मालिक की बच्ची होती तो क्या आप इसी तरह उसको बिठा के अपने चैनल पर ये वीडियो बनाते और ये इंटरव्यू चलाते? यकीनन नहीं। लेकिन आपने चीप शॉट खेली। आप थोड़ा सा अपनी सहाफ़ती इकदार के बारे में सोचिए कि सहाफ़त के भी कोई इकदार होते हैं और किसी को इतना नहीं गिरना चाहिए। वो लोग जो कि वो जहीर अहमद जो कि अदालत में अब जिस पर दफात शामिल हो गई हैं किडनैपर की भी और इसके अलावा भी बहुत सारी जो मैं इस वीडियो में भी नहीं बोल सकता, और आपको पता है उन सब का, और वो प्रूव हो गया है कि अब वो बहुत सारी चीज़ों में शामिल था और वो मुजरिम है, वो कल्प्रट है, और आप उसके बावजूद उसे चैनल के ऊपर बैठा के क्या प्रमोट कर रहे हैं, आपने सोसाइटी में क्या मैसेज दिया, आपने अपनी साहित्यिक दायर की धजियाँ बिखेर कर रख दी। आपने बता दिया कि हर चीज़ जो है वो वैसी नहीं होती जैसी, सब चीज़ें बराबर नहीं होती। मैं बहुत हैरान हुआ और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई चैनल अब भी उनकी रिपोर्टिंग इस तरह कर सकता है, और आपको नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि एक चीज़ जो कि गलत डिक्लेयर हो चुकी है और कोर्ट के अंदर अब ये मामला है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर अब उनका इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा जी, मैं सब चैनल्स का, सब सोशल मीडिया का और तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा जो बाकी जो सब लोग फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने इस केस को लेकर मेरी भरपूर हेल्प की और बड़ा अच्छे तरीके से वो इसे लेके चल रही है। थैंक यू।